तो उसको सेंटर फिक्सेशन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं स्टडी, हम टारगेट मूव करते हैं, बच्चे की स्टडी मूवमेंट देखते हैं और देखते हैं जो आई की मूवमेंट है वो दोनों इसमें सिमेट्रिकली आ रही है कि या फिर निस्टैग्मस शुरू है। अगर वो निस्टैग्मस शुरू है तो वो इंडिकेट करता है वो अनस्टडी है। अगर वो नॉर्मल स्टडी रहता है मतलब एक जैसी मूवमेंट बिल्कुल स्टडी की मूवमेंट होती है तो वो स्मूथ परसूट में, तो हम उसको कहते हैं स्टडी फिक्सेशन। फिर हम देखते हैं मेंटेनेंस है कि नहीं, फिर हम दोनों ऐसे भी कर सकते हैं उसको मोनोक्लेपी, फिर किलो उठा के देखते हैं कि मेंटेन तो दोनों ऐसे कर रहा है, एक ऐसे मेंटेन कर रहा है, एक आई में अगर मेंटेन कर रहा है दूसरे में नहीं कर रहा है तो वो इंडिकेट करता है अनमेंटेन्ड है, और उस आई की विजन दूसरी आई के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम होगी, तो हम उसको बनियट डिनोट उस हिसाब से करते हैं सेंट्रल स्टडी अनमेंटेन्ड है। सी एस यू आर देखते हैं, अब ये ऑप्टोमेटिक क्रम है जो कि हम इंडिविजुअल आई में एक एक करके दिखाते हैं और उसके बाद इसका मूवमेंट देखते हैं। बच्चा जो ड्रम हम रोटेट करते हैं तो रोटेटिंग ड्रम को फॉलो करता है तो सकेड जनरेट होती है, सकेड क्या स्लो मूवमेंट होती है, फिर रिफ्लेक्सेशन मूवमेंट होती है जो कि निस्टैग्मस जनरेट करता है। अगर इसमें एसिमेट्री आती है, एसिमेट्री मतलब एक में निस्टैग्मस का एम्पलीट्यूड कम है एक में बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड आता है, ऐसे से मूवमेंट आती है, तो ये इंडिकेट करता है जिस आई में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसमें विजन कम है, और फिक्सेटिंग आई जिसमें निस्टैग्मस का एम्पलीट्यूड कम है उसमें विजन ज़्यादा है। ये नॉर्मल बच्चों में एट बर्थ ही प्रेजेंट होता है, अगर बच्चों में एट बर्थ प्रेजेंट ही इंडिकेट करता है बच्चे की विजन 20/400 है। फिर इसकी स्ट्राइप्स के जितना जितना फाइनेस बढ़ता जाएगा उतने बच्चे की विजन बेटर बेटर होगी, उतनी फाइनेस ऑफ विजन बेटर होगी। तो ये सब चीज़ें हम इस छोटे से टूल से बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, ग्रॉस इवैल्यूएशन शुरू हो सकता है। हर बच्चा इन टेस्ट के लिए सूटेबल नहीं होता या कोऑपरेट नहीं कर रहा या करवा नहीं रहा है अनकोऑपरेटिव है, तो हम कुछ प्रेफरेंशियल लुकिंग टेस्ट होते हैं। प्रेफरेंशियल लुकिंग टेस्ट का मतलब प्रेफरेंस देखते हैं, बच्चा किस तरह प्रेफर कर रहा है देखना, प्रेफर वो किसको करेगा, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टारगेट होगा, कंट्रास्ट होगा, एक तरफ ब्लैंक है एक तरफ ग्रेटिंग है। अगर इसमें देखोगे तो राइट साइड ब्लैंक है, ये लेफ्ट साइड ग्रेटिंग है, व्हाइट ऑन ब्लैक ऑन व्हाइट है। ये कैबिनेट बनी हुई है, कैबिनेट के पीछे यहाँ पर बीच में एक होल होता है जिससे पीछे से एग्जामिनर बच्चे का रिस्पॉन्स देख रहे हैं, बच्चे की आई मूवमेंट किस तरफ है, और इसका हम साइज ग्रेजुअली कम करते रहते हैं जिसके हिसाब से हम विजन मेजर करते हैं। कितने डिस्टेंस से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अकॉर्डिंग टू एज चलता है। अपटिल 6 मंथ्स हम एक डिस्टेंस रखते हैं, 6 टू 18 मंथ्स एक एज मतलब डिस्टेंस, 6 टू 12 मंथ्स फिर उसके बाद एक और डिस्टेंस, मतलब वो अकॉर्डिंग टू एज भी चलता है। 84 सेंटीमीटर कितने पर रखना है, 65 कितने पर रखना है, 37 कितने पर रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना डिस्टेंस छोटे बच्चों में बढ़ता जाएगा उनका अटेंशन स्पैन उतना कम होगा, तो जितना हम उनके लिए पास करेंगे कि कैलिब्रेटेड उसके हिसाब से ही कि विजन की डिस्टेंस की देंगे लेकिन पास से कर रहे हैं। ये ऐसा दिखता है जब हम पास से देखते हैं तो बीच में एक होल है जहाँ से पीछे से एग्जामिनर देख रहा है, इसको हाथ में पकड़ के क्यों नहीं करते, कोई इसका रीजन दे सकता है? किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो हमें ऐसी जहाँ पर हम इसको आवाज भी ना हो और दिखने के लिए ज्यादा चीजें हों, ठीक है। अगर हम इसी को किसी निस्टैग्मस वाले बच्चे में करेंगे तो हम क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको वर्टिकल कर देते हैं। रीजन बताएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी निस्टैग्मस है, उसको तो मूवमेंट तो उसकी चली रही है, तो ये ऑप्टो इसका फायदा क्या पता है इससे, राइट। ज्यादातर निस्टैग्मस क्या देखते हैं, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस, किस तरह मूवमेंट आ रही है वो हमें एग्जामिनर को जज करने में दिक्कत आएगी, किस तरह बच्चा देख किस तरफ है, वर्टिकल में उसकी आई मूवमेंट ऊपर होगी नीचे होगी हमें पता लगेगा, और हम इसको बार बार बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, मतलब वापस उस पर जाएं कम ज़्यादा, फिर हम फाइनली करते हैं कि कितने पे वो देखता है, तो लीस्ट पॉसिबल ग्रेटिंग फाइनेस्ट एक्विटी जो वो देखता है फाइनेस्ट ग्रेटिंग देखता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी विजन असेस कर सकते हैं। इन टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे की कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है, ग्रेटिंग उसको इंटरेस्ट भी करती है, तो ये सब इश्यूज इनमें हैं, तो उसी के कारण से कुछ और चीजें भी बनी जैसे लिया पार्टी से। अब इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपने आपके
सेम वही प्रिंसिपल है, एक हाथ में वो है एक हाथ में वो है, तेरा बच्चे का रिस्पॉन्स देख लो, इसको आप वर्टिकली भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, तो डुअल एडवांटेज। साथ ही में आप विजुअल फील्ड भी चेक कर रहे हैं, हाइडिंग हेडिंग से भी करते हैं, इससे भी करते हैं, हाइडिंग हेडिंग हमारे पास है, सेवन विजुअल इंपेयरमेंट में बहुत अच्छे काम करते हैं, ये सब चीज़ें हम बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे इवेल्युएट करना है, लो विजन पेशेंट्स को असेस करना बहुत अलग है, कैसे असेस करना है, क्यों असेस करना है, किस चीज़ के लिए देख रहे हैं हम, वो हमें समझ आना जरूरी है कि हम किस डिजीज को देख रहे हैं। सारा जितना हमारा ठिकाना है लो विजन डिवाइसेस का सारा, जो हर एक पेशेंट में बैठ जाएंगे कभी कोई जस्टिस नहीं करते, क्योंकि वो कहेंगे कभी ये दिखाया जा रहा है कि वो दिखा रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता क्या दिखा रहे हैं। तो आपको ये जज करना जरूरी है कि किस पेशेंट को क्या दिखाना है, क्यों दिखा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम फील्ड भी साथ में जज कर सकते हैं, हमने एक टाइम कट डाउन कर रहा है, तो हमारे को उस तरीके से भी जज करते हैं कि जैसे कि क्यों किसी तरह की फील्ड भी कम तो नहीं है, तो ये साथ में हम वो भी चेक कर सकते हैं। इसका जितना साइज छोटा होता जाएगा उतनी विजुअलिटी ये साइकिल्स पर डिग्री में होता है, और साइकिल्स पर डिग्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्नेलेंस और लॉग मार्क, उसके कन्वर्जन टेबल्स भी अवेलेबल है जो कि हम इजीली कैलकुलेट करके अवेलेबल भी हम कर भी सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी प्रॉब्लम को बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, बच्चे को ग्रेडिंग इंटरेस्ट भी करता है कि नहीं, उसके जगह पे एक और चीज़ है ब्रांचिंग ऑप्टर टाइप्स। ऑप्टर टाइप्स मतलब कुछ टारगेट है जो कि अलग अलग शेप्स बनी हुई है जिसको बच्चा देखता है, ये भी प्रेफरेंशियल लुकिंग पे बेस्ड है, बच्चे की प्रेफरेंस पे। इसमें छः अलग अलग टारगेट्स हैं, जैसे कार है, जैसे यहाँ पर है कार, फिश, बोट, डक, ऐसे जो बच्चे को इंटरेस्ट करते हैं। अगर हम उसको कुछ ऐसी चीज़ दिखाएंगे, सपोज से फॉर दैट मैटर कंप्यूटर दिखाएं, बच्चे को क्या इंटरेस्ट करना है, चश्मा दिखाएं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं करना, उसको ये बनाएं उस तरीके से गए जो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो वो छः अलग अलग ऑप्टर टाइप्स हैं, और डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या रेजोल्यूशन है, उनकी लाइन साइज क्या है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, उससे हम उनकी विजन असेस करते हैं कार्ड में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर रेजोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर रेजोल्यूशन और कम हो गया है, जितनी रेजोल्यूशन कम होगी उतनी विजुअल एक्यूरेसी बेटर होती जाएगी। ये भी डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे करना है वो एज के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उनकी विजन असेस करते हैं, और हम विजन बता सकते हैं कितनी विजन है। फॉलोअप में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है देखने के लिए कि हम एमआईपी में किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत अच्छा हेल्प करता है हमें ओवरऑल पूरा ट्रीटमेंट करने में। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, दिस इज मच मोर इंटरेस्टिंग। रेटिंग एक बार शायद मुझे अच्छा रहेगा, दूसरी बार मैं वो ही हो जाऊंगी कि क्या वही दिखाते रहते हैं, बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं है।